बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7th की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1-4 सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मायदा अर्न्स रुपीज़ 5,52,000 एनुअली। मायदा सालाना 5,52,000 रुपये कमाती है, फाइंड हर इनकम टैक्स, उसका इनकम टैक्स मालूम करें एट द रेट ऑफ 5%, 5% की शरह से। इफ़ द अमाउंट ऑफ रिबेट इज़ रुपीज़ 60,000, अगर छूट की रकम 60,000 रुपये हो। चलें सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे जी टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम है जी उसकी मायदा की रुपीज़ 5,52,000। हाँ जी, रिबेट, रुपीज़ 60,000। हाँ जी, आगे क्या जाएगा, टैक्सेबल इनकम क्या होगी जी, 5,52,000 में से माइनस कर देंगे 60,000। जी जी, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, हाँ यहाँ से लेंगे कैरिंग 15 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, यहाँ बच गया 4। ये आ गया जी हमारा टैक्सेबल इनकम। अच्छा, अब क्या है जी उसकी रेशो क्या है। हाँ जी, रेट ऑफ इनकम टैक्स, फाइव परसेंट है जी। क्या करेंगे हम, 5% ऑफ फोर लैख 92,000। ये तो क्या करेंगे, 5/100, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4,92,000 के साथ। ये 2 0 कट गई, ये 2 0 कट गई। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 10 0 1 कैरिंग 9 5 45 और 1 46, 6 लगा 4 कैरिंग, 5 4 20, 20 में 4 प्लस करें तो 24। हाँ जी, ये आ जाएगा हमारा इनकम टैक्स, आ जाएगा 24,600 रुपये, रुपीज़ 24,600। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अ हाउस इज़ वर्थ रुपीज़ 35 लाख, यानी एक मकान की मालियत 35 लाख है, फाइंड दी प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करें। इफ़ द टैक्स रेट इज़ 7%, अगर टैक्स की शरह 7% हो। चलें सॉल्व करते हैं इसको। हाँ जी, पहले हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, हाँ जी क्या है जी कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, रुपीज़ 35 लाख, हाँ जी आगे क्या है इसका, प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करना है जी, रेट ऑफ 7%।
टैक्स रेट है 7%, यानी 7% ऑफ 35 लाख। तो 7% का मतलब होता है 7/100। ऑफ से मेरा होगा मल्टीप्लाई ओके 35 लाख। 2 जीरो गई, ये कट गई। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे जी, यहाँ पे कर देते हैं 35000। 7 5s are 35, 5 लगा 3 कैरिंग, 7 3s are 21, 21 में 3 प्लस करें तो आ जाएगा 24। तो ये हमारा टैक्स आ जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स। $2,45,000। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, वाजिद ओन द प्लॉट वर्थ ₹70 लाख, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स टू बी पेड इफ द रेट इफ द टैक्स रेट इज 3%। यानी वाजिद 70 लाख की प्रॉपर्टी का मालिक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स की रकम मालूम करें, टू बी पेड यानी वो कितना प्रॉपर्टी टैक्स अदा करेगा इफ द टैक्स रेट इज 3%, अगर टैक्स की शरह 3% हो। अब हम लिख लेंगे जी कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, क्या जी हमारे पास 70 लाख। यहाँ लिखेंगे रुपीस, टैक्स रेट क्या है जी, प्रॉपर्टी टैक्स रेट, यहाँ लिख देते हैं पी, प्रॉपर्टी टैक्स रेट 3%। हाँ जी, क्या करेंगे 3% ऑफ 70 लाख। ये अब हमने मालूम करना है कि कितना बनता है जी, 3% का मुराद होगा 3/100, मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई। अब ये 70 लाख, 2 जीरो काट दें, 70,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, 0000, 7 3s are 21। हाँ जी, तो प्रॉपर्टी टैक्स क्या बनेगा हमारा, 2,10,000। ये 7 रुपीज़ भी लिखने। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ लैपटॉप इज सोल्ड फॉर ₹96,500, यानी एक लैपटॉप 96,500 रुपये का बेचा गया, इंक्लूडिंग 10% जनरल सेल टैक्स, जिसमें 10% जनरल सेल टैक्स भी शामिल था, फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, टैक्स की रकम मालूम करें। चलिए करें इसको सॉल्व। आज हम लिखेंगे सेल प्राइस, सेल प्राइस कितनी है जी ₹96,500। ये तो जनरल सेल टैक्स कितना है जी 10%, 10% किसके है, ये जी 10% ऑफ 96,500 इसका। तो आ जाएगा 10% का मतलब होगा 10/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 96,500। ये जीरो कट गई तो दो जैसे कट गई, 965 को जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 9,650 रुपीज़। ये यानी 9,650 रुपये जो है ये इसमें जनरल सेल टैक्स था।